हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि 1 किलोवाट जो सोलर सिस्टम होता है जो है वो कितना बैकअप देगा और उस पर हम कितना लोड चला सकते हैं, कि 1 किलोवाट सिस्टम होता है उस पर हम कितना लोड चला सकते हैं एट ए टाइम और कितने लोड पर वो कितना बैकअप देगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत से लोगों को पता नहीं है या बहुत से लोग जानना भी चाहते हैं। 1 किलोवाट सोलर पैनल जो है उसमें 3 पैनल आएंगे और 12-12 वोल्ट की 2 बैटरी आएगी, यानी 24 वोल्ट सिस्टम होगा और 1800 VA का जो है एक इन्वर्टर आएगा। ये डिपेंड भी करता है लोड और बैकअप, आप किस कंपनी और किस क्वालिटी और मतलब जो है आपका ब्रांड कौन सा है। तो अब हम आज जो हम बात करेंगे वो लुमिनस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पर्सनली मैंने लगाया हुआ है और काफ़ी सारी जगह लगाया हुआ है। ऐसी जगह भी लगा हुआ है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो कंटिन्यूस इसी पे चलाते हैं इसको कंप्लीट, तो उनसे भी मुझे आइडिया मिला है। और एक मेरा पर्सनल जो मेरे घर पे भी लगा हुआ है उससे भी मुझे आइडिया मिला है। तो बात कर लेते हैं पहले इनमें क्या क्या चीज़ आएंगी 1 किलोवाट में। सबसे पहले जो है इन्वर्टर जो है 1800 VA का है, जो कि 1500 VA का है, तो आप उसे 1200, क्योंकि हम प्रॉपर 1800 VA है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1800 वाट तक उठा लेगा, आप 200 से 300 वाट इसमें कम लेकर चलें। बैटरी 150 एम्पीयर की है, जो कि 2 है 150 की, ये जो है सीरीज़ में लगेंगी। और सोलर पैनल जो हैं वो 375 वाट के हैं, क्योंकि 24 वोल्ट का सिस्टम है तो तीनों पैनल जो है पैरेलल में जुड़ेंगे और इनका वोल्टेज 24 रहेगा और इनका एम्पियर जो है उसके हिसाब से रहेगा, जितने उसमें एम्पियर लिखे होंगे, 8 या 9 एम्पियर या 10 एम्पियर या 11 एम्पियर। आप इस पर जो है 1200 वाट तक का लोड इसमें एट ए टाइम चला सकते हैं। इसमें 5 सीलिंग फैंस, 20 LED लाइट्स, 2 टेलीविज़न, 1 रेफ्रिजरेटर, 1 मिक्सर, लैपटॉप, मोबाइल चार्जिंग आदि। ये तो एक आइडिया है, आप इसमें से कोई से भी चला सकते हैं, लेकिन वो जो है अप टू 1200 वाट ही होना चाहिए, जो कि ये इसका एक्चुअल लोड है। मतलब जैसे 5 सीलिंग फैन आप चला सकते हैं, 20, अब डिपेंड करता है कि आप एक साथ क्या क्या चीज़ें चलाते हैं, तो लोड उसी हिसाब से काउंट होगा कि एट ए टाइम आप कितनी चीज़ें चला रहे हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जा रही है या किस हिसाब से। वैसे तो अगर ये वैसे भी लाइट आए या जाए ये UPS पे ही काम करता है, तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कि लोड के हिसाब से क्या है। 1200 वाट तक का लोड ये ले सकता है तो कितने है? अगर मान लो 500 वाट का हम रनिंग लोड रहता है तो 4 घंटे 20 मिनट, 400 वाट का अगर लोड रहता है तो 6 घंटे, 300 वाट का रहता है तो 9 घंटे, और 200 वाट का लोड रहता है तो 15 घंटे, और अगर 100 वाट का लोड है टोटल तो 36 घंटे नॉन स्टॉप ये यूज़ जो है काम कर सकता है, यानी ये इसकी बैकअप लिस्ट है। और बाकी अगर कोई आपको चीज़ समझ में नहीं आई है तो जानकारी के लिए आप मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं, और धन्यवाद।